Good morning, students. How are you? Yesterday, we have done the uh, introduction of our chapter number four Food We Eat. Yesterday, we have done the introduction of the chapter Sources of the Food Like Plants and Animals. And today, we are going to start the three main kinds of food that we eat. We mainly eat three kinds of food. हम मेनली थ्री काइंड ऑफ फूड जो है वो ईट करते हैं फर्स्ट नंबर इज एनर्जी गिविंग फूड सेकेंड नंबर इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड नंबर इज़ प्रोटेक्टिव फूड सबसे पहले जो फूड हमें एनर्जी देता है जो हमारी शरीर को बिल्ड करता है और थर्ड नंबर पे जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिसीज ओके फर्स्ट वन इज़ एनर्जी गिविंग फूड फूड लाइक पोटैटोज oil, घी बटर etc. आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड फूड लाइक potato, oil, घी और बटर इस टाइप के फूड्स को क्या बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड क्योंकि ये जो फूड है ये हमें क्या करते हैं एनर्जी देते हैं हमारे हमारे हमारी जो बॉडी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं जिसकी हेल्प से हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले हमें एनर्जी वी नीड एनर्जी टू वर्क वर्क एंड प्ले हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है किस लिए वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए खेलने के लिए और काम करने के लिए पटैटो ये है एनर्जी गिविंग फूड पटैटो ऑयल बटर घी ये सारे के सारे जो हैं एनर्जी गिविंग फूड हैं ये आपको खाने चाहिए इससे खाने से आपको क्या मिलेगी गेंदा एनर्जी सेकेंड नंबर इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड फूड लाइक पल्सेस एग्स मिल्क मीट एक्सेट्रा हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो फूड लाइक पल्सेस हो गए एग्स हो गए मिल्क हो गया और मीट हो गया ये हेल्प करते हैं हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए अच्छे से दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स और इसको क्या बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं पल्सिस हो गए एग्ज हो गए मिल्क हो गया और मीट हो गया ये वो वाले फूड हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे से मजबूत करते हैं थर्ड नंबर इज़ प्रोटेक्टिव फूड फूड लाइक फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज एंड कीप अस हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स हो गए ग्रीन वेजिटेबल हो गए ये हमें डिसीज से बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं और हमें हेल्दी बनाते हैं इसलिए बोलते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल खानी चाहिए फ्रूट्स खानी चाहिए क्योंकि वो हमें डिसीज जो बीमारियाँ हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फ़ूड और उसको क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड जैसे एप्पल बनाना पोटैटो टमाटो ठीक है सबसे पहले आ गया एनर्जी गिविंग फूड जिसमें पोटैटो था ऑयल था बटर था घी था बॉडी बिल्डिंग फूड में पॉलिस एग्स आ गए मिल्क आ गए मिल्क आ गया मीट आ गया और प्रोटेक्टिव फूड में क्या आ गया वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वी शुड ईट आर बैलेंस डाइट इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी बोल रहे हैं हमें जो है बैलेंस डाइट खानी चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट मीन्स जिसमें सब सारे सब जो है फूड वो वो बैलेंस में आ जाते हैं बैलेंस्ड में आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ फ्रूट्स भी आ जाएंगे वेजिटेबल्स भी आ जाएगी सब कुछ को सा, सारी चीज़ों को बैलेंस करके जो है वो हमें खाना चाहिए बिसाइड्स ईटिंग फूड वी ऑल्सो नीड वॉटर वी शुड ड्रिंक ऐट लीस्ट टू टू थ्री लीटर्स ऑफ वॉटर एवरी डे टू रिमेन फिट एंड हेल्दी हमें फूड तो खाना ही चाहिए उसके साथ हमें पानी वाटर की भी ज़रूरत है पानी की भी हमें वी शिड वी शुड ड्रिंक ऐट लीस्ट टू और टू थ्री लीटर ऑफ़ वाटर एवरी डे हमें रोज़ कम से कम दो से तीन लीटर जो है वो वॉटर पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो फिट और हेल्थी रह सके क्योंकि पानी जो है वो हमारी बॉडी के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए एटलीस्ट हमें एक दिन में दो से तीन लीटर जो है वो वो पानी क्या है हर दिन पीना चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो है बॉडी जो है वो फिट और हेल्थी रह सके थैंक यू